पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पुलिस ने दो शूटरों सहित तीन लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इनमें से दो आरोपी हत्या में शामिल थे, जबकि तीसरे ने हत्याकांड में शामिल शूटरों की मदद की थी। फिलहाल पुलिस ने इन्हें मकोका के मामले में गिरफ्तार किया है और इसकी जानकारी पंजाब पुलिस के साथ भी साझा की गई है। किस तरीके से इन शूटरों को गिरफ्तार किया गया, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त हरगोविंद सिंह धालीवाल। 29 मई को एक बहुत ही सेंसेशनल और ब्रेजन किलिंग हुई थी। पंजाबी सिंगर थे जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते थे, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से, उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला, तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोड था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीन उसमें से जो हमारा वो था कि तीन शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE 36 ग्रेनेड्स थे दे वर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं, और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं। जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है, वो AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज़ करने थे। नहीं, ये फतेहाबाद रुके क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे, और काफ़ी इन्होंने अपने हाइड आउट्स बदले काफ़ी, और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। ये इन्होंने एक हरियाणा में जगह है जहाँ पे इन्होंने जो रिज़र्व वाले वेपन्स थे ये रख दिए थे, और ये जो वेपन्स रिकवर हुए जो रिज़र्व थे वारदात में यूज़ होने थे अगर ज़रूरत पड़ती,
ये इन्होंने रखे विलेज किरमारा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में। और ये परिवर्त को जब अरेस्ट करके हम लेके आए तो उसके इंस्टेंस पे ये रिकवरी हुई है। इन्होंने ये जो चार लोग थे, ये पीरियड्स में, अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज़्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है अलग अलग तरीके से। छः शूटर थे, मैं शूटर्स की बात कर रहा हूँ सर। अरेस्ट तो मल्टीपल हो चुकी हैं, जिन्होंने हार्बर किया, जिन्होंने रेकी करी, जिन्होंने मूवमेंट बताई, लेकिन 6 शूटर थे, 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं।